आशिका ने हुसैन कोविड-19 के कारण मोहर्रम की चौकी के जुलूस में शरीक नहीं हो पाए। ख्वाजा साहब के दरगाह में चौकी का जुलूस प्रतीक के रूप में निकाला गया। दरगाह के बाहर लंगर खाना गली और दरगाह के आसपास की छतों से चौकी की जियारत कर अपना सलाम पेश करते नजर आए। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दरगाह गेस्ट हाउस से जुलूस की शुरुआत नहीं हुई। गेस्ट हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। लंगर खाना गली में जरूर अकीदतमंद मरसिया खानी और सलाम पेश करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। मोहर्रम की चौकी रस्म को देखते हुए और भीड़ एकत्रित न हो इसके लिए लंगर खाना गली और दरगाह बाजार में पुलिस का विशेष बंदोबस्त किया गया था। इस बार असर की नमाज के बाद लंगर खाना स्थित इमाम दरगाह से चौकी की रस्म शुरू हुई। मौरूसी अमले के बावर्चियाना परिवार की ओर से चौकी धुलाई की गई। इस परिवार के सबसे बुजुर्ग सरदार अली भी मौजूद थे। निसार अहमद की पार्टी ने ख्वाजा साहब की रुबाई पेश की। इसके बाद दागे अकबर रुताला में मरसिया पेश किया गया। बाद में सलाम हुआ। चौकी की जियारत के बाद इसे मकबरे में ताजिए तक लाया गया, जहाँ पर ताजिए पर तब्रुकात पेश किए गए। आज चांद की जो है 29 तारीख है और 29 तारीख के दिन हमारे यहाँ पे चौकी कायम होती है। ये चौकी कायम होती है चांद दिखे या ना दिखे, आज के दिन जो है ये चौकी कायम करके सबसे पहले जो है हुजूर गरीब नवाज ने जो रुबाई फरमाई, शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दी नस्तो हुसैन, दी पना अस्तो हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना है ला इला अस्तो हुसैन। ये सबसे पहले जो है सरकार की रुबाई पढ़ी जाएगी चौकी जब यहाँ से उठेगी। और ये जो चौकी जो है कोविड-19 को देखते हुए जो है लंगर खाने से लंगर खाने में ही उठाई जाएगी, नहीं तो ये गरीब नवाज गेस्ट हाउस से उठाई जाती थी, अब ये लंगर खाने से उठाई जाएगी। पहले जो है सरकार की रुबाई पढ़ी जाएगी, उसके बाद यहीं से उठा के यहाँ छतरी के पास लाके सलाम पेश किया जाएगा हुजूर को, इमाम अली मकाम को। और सलाम पेश करने के बाद जो यहाँ के जो तबरुकात हैं, जो चौकी है वहाँ जाएगी ताजी शरीफ पे, जो भी कुछ यहाँ के तबरुकात हैं वो वहाँ पे पेश होंगे। उसके बाद जो है सबके लिए तमाम आलम इंसानियत के लिए दुआएं होंगी कि अल्लाह पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में ये जो वबा, ये जो बला, ये जो बीमारी तमाम आलम इंसानियत पर फैली है ये सब दफ़ा हो जाए। और जिस तरीके से हमारे पहले प्रोग्राम हुआ करते थे इमाम के जो गम मनाए जाते थे, उसी तरीके से हम प्रोग्रामों को जो है करें इंशाल्लाह आने वाले साल में, यही हमारा दुआ है दरबार में इमाम की। हाजी सैयद नूर आलम चिश्ती, पीर साहब अजमेरी। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।